हेलो दोस्तों नमस्कार। काफी बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। जून 2022 टर्म एग्जामिनेशन के लिए पोर्टल एग्जाम फॉर्म के लिए लाइव कर दिया गया है, तो आप अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। काफी स्टूडेंट लगातार सवाल कर रहे थे कि एग्जाम फॉर्म कब ओपन किया जाएगा, तो फाइनली इग्नू ने जून 2022 टर्म एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम फॉर्म का पोर्टल लाइव कर दिया है। साथ ही साथ असाइनमेंट सबमिशन एंड प्रोजेक्ट सबमिशन की लास्ट डेट को भी एक्सटेंड किया जा चुका है इग्नू के द्वारा, तो उसी के बारे में वीडियो बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इग्नू के सभी ऑफिशियल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट मैं डालूं आपको तुरंत मिले। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेन पेज पे सभी चीजों को अपडेट कर दिया गया है। अलर्ट सेक्शन में आप यहां पे देख सकते हैं एग्जामिनेशन का यहां पे मेंशन किया गया है, पोर्टल लाइव कर दिया गया है, टेंटेटिव डेट शीट ऑलरेडी मेंशन है, और जो आपका प्रोजेक्ट सबमिशन वगैरह का डेट यहाँ पे बढ़ा दिया गया है उसको भी मेंशन कर दिया गया है, और जो नोटिफिकेशन डाला गया है प्रोजेक्ट सबमिशन और असाइनमेंट सबमिशन दोनों का यहाँ पे लिंक अवेलेबल है, यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इन सभी की अपडेट मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे यानी कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम सब पे दे दिया है। वहाँ पे इंस्टेंटली जैसे ही नोटिफिकेशन आया मैंने इंस्टेंटली अपडेट कर दिया। वीडियो आपको लेट में मिल रही है, तो वहाँ पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। ट्विटर, इंस्टा और टेलीग्राम जो भी है, आप सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो कि आपका टर्म एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन कर दिया जा चुका है, तो आप इसको भर सकते हैं। जो ओल्ड स्टूडेंट है जिनका सेकेंड ईयर फाइनल ईयर है, उनको पता होगा कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, वो सबके लिए है, चाहे नए स्टूडेंट है चाहे पुराने स्टूडेंट है। एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आप एलिजिबल हैं ये तो आपको पता ही रहता है। जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हो तो केयरफुली सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है और केयरफुली एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना होता है। हाँ, किसी अटेंडम केस या फिर ऐसे एक्सेप्शनल केस हो जाता है, दूसरी जगह चले जाते हैं, तो इन केस आप अपना एग्जाम सेंटर चेंज करने के लिए परेशान हो तो अलग की बात है। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर अभी चूज कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से और केयरफुली चूज कीजिएगा। बाद में चेंजेस में प्रॉब्लम होता है। पोर्टल हालांकि ओपन किया जाता है लेकिन सेम सिटी के लिए ओपन नहीं किया जाता। ठीक है, सेम सिटी में चेंजेस नहीं हो पाएगा, किसी अलग स्टेट में या रीजनल सेंटर के अंडर में चेंज करेंगे। दिल्ली एनसीआर में जैसे कि पूरे एनसीआर में चेंजेस अलाउ नहीं रहता, अलीगढ़ से अलीगढ़ में नहीं कर सकते, अलीगढ़ सिटी के अंडर दूसरे सिटी में कर सकते, जैसे कि फिर आप वाराणसी में कर सकते हैं, वाराणसी से अलीगढ़ में कर सकते, सेम सिटी में चेंजेस अलाउ नहीं होता। तो एग्जाम फॉर्म भरते वक्त सब्जेक्ट चूज करते वक्त सब्जेक्ट का और एग्जाम सेंटर का बेसिकली सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखना कैसे एग्जाम। जनरल इंस्ट्रक्शन है, पढ़ लीजिएगा। डेट की बात कर लेते हैं, आज से स्टार्ट हुआ है, 1 जून से 25 जून तक विदाउट लेट फीस फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद आपका जो है ₹1100 फीस एक्स्ट्रा लेट फीस लगेगा 26 जून से 30 जून। 1 जून से 25 जून तक कुछ नहीं लगेगा, ₹200 पर सब्जेक्ट भरा जाएगा। बाकी आप जैसे कि आपका 3 सब्जेक्ट है तो ₹600 प्लस ₹1100, 26 जून से 30 जून। 2 सब्जेक्ट है ₹400 प्लस ₹1100। ठीक है, यूनिवर्सिटी रूल है कुछ जो फॉलो करने पड़ेंगे आपको, हालांकि वो एक्सेप्शनल रहेगा कोविड के कारण या फिर एग्जाम सेंटर भर जाएगा तो चेंज हो सकता है। बाकी आप प्री फॉर्म भरने से पहले ये चूज कर लीजिए, मतलब देख लीजिएगा कि आपका जो है टाइम एक्सपायर ना हो गया हो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का टाइम एक्सपायर हो गया है, वो एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकते या फिर जो है वो एलिजिबल नहीं है, मतलब कि अभी रिसेंटली एडमिशन लिया है, तो ये सब सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। एग्जामिनेशन क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन क्लास तब होता है जब आपका जो है किसी ग्रुप, अलग अलग ग्रुप का सब्जेक्ट हो। ये अलग अलग ग्रुप का हिसाब किताब पुराने ओल्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम में होते थे। ठीक है, हम नए में नहीं है, हालांकि अगर बहुत सारे पुराने स्टूडेंट भी होंगे उनका क्लास होंगे तो नहीं माना जाएगा। अगर आपका बैकलॉग लगा है और करंट ईयर के साथ जो है आपका क्लास हो रहा है तो वो भी नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ डिफरेंट प्रोग्राम है, अलग अलग प्रोग्राम, आप एक कोई सर्टिफिकेट कर रहे हो, एक डिप्लोमा कर रहे हो, तो उसका क्लास नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ आपका प्रीवियस ईयर बैक, मान लीजिए प्रीवियस ईयर का आपने एग्जाम नहीं दिया, करंट ईयर के साथ दे रहे हैं एक साथ सारा, तो वो क्लास भी नहीं माना जाएगा। तो ये हिसाब किताब रहता है। और जिनका एग्जामिनेशन फीस, जिनको एग्जामिशन मिली हुई है, ये लाइन आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी अटैच किया गया ये वाला। इसमें मैं मोटी मोटी बात बता दूं, जिनको एग्जामिशन मिला था जो आपका जुलाई 2020 में उनका एग्जाम फॉर्म भरा गया था, उनका फीस एडजस्ट किया जाएगा। तो आप फॉर्म भरते वक्त चेक कर लीजिएगा एडजस्ट हो रही है नहीं, अगर नहीं हो रही तो एक दो दिन रुक जाइएगा, वो बाद में फिर से अपडेट कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने बोला है कि अपडेट हो गया है, तो आप एक बार फॉर्म भर के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक दो दिन रुक के ही भरेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्टेप फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म एंड पेमेंट ऑफ फीस, ये आप पढ़ लीजिएगा। कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आते चले कि एग्जाम सेंटर जितना जल्दी चूज कर लोगे आप, उतना जल्दी आपका नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा, जितना जल्दी आप एग्जाम फॉर्म भरोगे। तो एक दो दिन में कुछ नहीं होगा, एक दो दिन रुक के भरिएगा, अगर कुछ गड़बड़ी हो जाएगी तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो थोड़ा सा एक आध दिन रुकिए, फिर उसके बाद भरिएगा, अपना नियरेस्ट एग्जाम सेंटर चूज कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम सेंटर चूज करने में आपको बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है। ठीक है, ठीक से और ध्यान से चूज कीजिएगा।
अगर जो है कोई प्रॉब्लम आती है, इनवैलिड वगैरह शो करता है, आपका सब्जेक्ट वगैरह शो नहीं करता है, तो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो आप जो है यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन रजिस्ट्रार एसआरडी को और उनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट गेटवे एचडीएफसी कराएगा, डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज करते हुए नेट बैंकिंग का यूज करते हुए पेमेंट कर सकते हैं। एक बार फीस पे हो गई तो रिफंड वगैरह नहीं होगी, आप बात का ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, पेमेंट करने के बाद एक स्लिप जनरेट होती है जिसको आपको जो है लास्ट फॉर्म का प्रिंट रहता है उसको आपको ले लेना होता है। एग्जाम सेंटर यहाँ पे सर्च करके चूज कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपना जो इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पोर्टल ओपन होगा। जो भी आपका यहाँ पे सेंटर है जैसे दिल्ली एनसीआर का, यहाँ पे सबमिट करके यहाँ पे सेंटर आपको दिखा दिया जाएगा। हालांकि अभी स्लो चल रहा है, काफी लोड है, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ ना तो काफी सारे लोग लगातार चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे सभी का एग्जाम सेंटर है, बट यहाँ पे डेट कर रहा हूँ, यहाँ पे एड्रेस क्लियरली मेंशन नहीं है। ठीक है, बोल रहे हैं हॉल टिकट मेंशन कर दिया जाएगा, तो सबसे ज्यादा आई थिंक जो है दिल्ली एनसीआर का ही लिस्ट है ये लंबा, इसमें अभी सभी का यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो भी आप जिस भी रीजनल सेंटर के यहाँ पे सबमिट करेंगे यहाँ पे ओपन इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, बाकी रिफंड ऑफ एक्सेस फी वगैरह का हिसाब किताब है, इनकेस आप अनसक्सेसफुल पेमेंट वगैरह हो जाए तो आप कहाँ जो है जो अप्रोच तो बैंक अपने बैंक पे अप्रोच कीजिए। ठीक है, वहां पे बाकी उनका गेटवे से रिफंड हो जाएगा, ये हिसाब किताब रहता है। और नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज एग्जामिनेशन विल बी एंटरटेन इन के यहाँ पे मेंशन हाईलाइट किया जाता है, लास्ट में ओपन करते हैं ये, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इशू ऑफ हॉल टिकट इशू कब किया जाता है, हॉल टिकट एग्जामिनेशन फॉर्म के 5-7 से 10 दिन पहले एग्जाम्स पहले आपका हॉल टिकट इशू कर दिया जाता है इनकी मेन वेबसाइट पे, वो मैं बताऊंगा, आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे ऐसी जो है term and exam@ignu.ac.in पे जो है ईमेल कर सकते हैं या फिर यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, आपको आगे आपको प्रोसीड करना है, और प्रोसीड करने के बाद अगर सब कुछ करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी स्टेटस अपना चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से मेंशन आएगा, अपना एनरोलमेंट नंबर डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के चेक कर सकते हैं जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो। ठीक है, सैटरडे संडे अगर हॉलीडे है, अगर सैटरडे संडे या हॉलीडे है तो उसके 72 घंटे बाद चेक करिएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन फी पेमेंट करने के बाद ठीक है यहाँ पे स्टेटस चेक कर पाएंगे आप। बाकी यहाँ पे प्रोसीड करिएगा, ये आपका अपना सब्जेक्ट वगैरह डालिए, एनरोलमेंट नंबर डाल के, रीजनल सेंटर डाल के आप यहाँ चूज करके सबमिट करिएगा, आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, बाकी जिस भी आप मान लीजिए आप अहमदाबाद रीजनल सेंटर के हैं, आपको देना है एग्जाम चेन्नई में तो दे सकते हैं, चेन्नई का सेंटर चूज करके किसी भी रीजनल सेंटर के आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी रीजनल सेंटर के अंडर में जाके वहाँ पे एग्जाम ऑल ओवर इंडिया में दे सकते हैं, तो उसके लिए परेशानी नहीं है, वहाँ पे वो सेंटर चूज करके सबमिट कीजिएगा, फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, बाकी डिटेल में फॉर्म भर के आपको समझाऊंगा किस तरीके से फॉर्म भरा जाना है, आप वीडियो का इंतजार करें। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं, आपका डेट वगैरह एक्सटेंड कर दिया गया प्रोजेक्ट सबमिशन का, साथ ही साथ आपके जो है असाइनमेंट सबमिशन का, तो इसको आप देख लीजिएगा, असाइनमेंट वगैरह बनाइए, सबमिट कीजिए, एग्जाम फॉर्म भरिए, कोई सवाल इनको बॉक्स में लिखिए। कोई नई अपडेट आएगी तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन ताकि उनको भी मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, नमस्कार।